अगर आप ब्लॉगर हैं तो आपको पता होगा कि टेबल आपके वेबसाइट के अंदर, आपके आर्टिकल के अंदर बहुत इंपैक्ट डालता है। और अगर इस तरह का टेबल हो जाए जिसके अंदर इमेजेस हों, प्रोडक्ट डिटेल्स हों और प्राइस का बटन हो, तो क्या ही बात है, फिर तो आप अपनी अर्निंग को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे किस तरह से आप एक ब्यूटीफुल सा टेबल डिज़ाइन करेंगे जो कि आपकी वेबसाइट या पोस्ट के टॉप में होता है, और इससे क्लिक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अल्टीमेटली आपकी अर्निंग बढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है। जब वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो यही चीज़ें उन्हें जो है वो मुश्किल लगती हैं कि टेबल किस तरह से बनाना है या आर्टिकल को डिज़ाइन किस तरह से करना है। तो आर्टिकल के डिज़ाइन का एक मेन पार्ट होता है प्रोडक्ट टेबल। अब प्रोडक्ट के टेबल हम क्यों डालते हैं, इससे क्लिक थ्रू रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी यूज़र अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और टॉप में उसे जो प्रोडक्ट्स पसंद आती हैं वो वहाँ से क्लिक करके जा सकता है और उसके बाद कुकीज सेव हो जाती हैं, तो फिर वो कुछ भी अगर परचेज करे तो आपको कमीशन मिलता है। ये सबसे अच्छी बात है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मेरा ही ब्लॉग है, जिसे मैं कल ब्राउज कर रहा था, मैं उसके कुछ स्टैट्स देख रहा था, तो उसमें एक प्रोडक्ट सेल हुई थी $900 की। तो $900 की प्रोडक्ट मैं रिव्यू नहीं करता बिल्कुल भी, और मेरी जो मेन प्रोडक्ट है वो बहुत सस्ती है, यानी $50 से $150 तक होती है, लेकिन वो सेल हुई थी $900 की। अब ये क्यों हुई, ये कुकीज़ की वजह से हुई, क्योंकि जब मैंने टेबल दिया था प्रोडक्ट के टॉप में तो वहीं से कहीं से मुझे क्लिक आया और उससे कुकीज सेव हो गई, और फिर वो कुछ भी अगर परचेज करता है, वो लेंस परचेज करता है, कैमरा कर लेता है या कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट परचेज करता है, उसका कमीशन भी आपको मिलता है। तो क्लिक हमें चाहिए होता है, और इसी क्लिक को लेने के लिए हम टेबल यूज़ करते हैं अपनी पोस्ट के अंदर, कि यूज़र अगर नेविगेट करना चाहता है प्रोडक्ट्स के ऊपर जल्दी, यानी आर्टिकल के टॉप में, तो वहीं से उसे प्रोडक्ट मिल जाए और वहां से क्लिक करके वो जा सकता है। तो यही आज हम देखेंगे कि एक रिस्पॉन्सिव टेबल आप किस तरह से बना सकते हैं जो कि हर डिवाइस के लिए परफेक्ट होगा। अब रिस्पॉन्सिव मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही मेन मसला होता है, क्योंकि फ्री प्लगइन बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप फ्री में जाते हैं तो वहां पे वो आपको रिस्पॉन्सिव नहीं मिलता, और अगर आप पेड जाते हैं तो वो महंगे होते हैं, वो मैं लेना नहीं चाहता। तो आज जो प्लगइन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वर्डप्रेस का, वो बहुत ही सिंपल है, फ्री है बिल्कुल, आपने उसे डाउनलोड करना है और आप उसे यूज़ कर सकते हैं फ्रीली। और टेम्पलेट्स उसमें से मैंने जो जनरेट की हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करें और उसके बाद का प्रोसेस मैं आगे आपको बताता हूँ। और इन टेम्पलेट्स को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि अगर आप प्लगइन की टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे तो वो बहुत मुश्किल होंगी और आपके लिए कस्टमाइज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप मेरी दी हुई टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल रेडी हैं, बस आपने अपना डेटा अपलोड करना है और आपका टेबल जो है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं किस तरह से ये टेबल डिज़ाइन करेंगे और प्रोडक्ट इमेजेस और ये सब कुछ किस तरह से लगाएंगे, ये हम पीसी पर देखेंगे। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर लैंड करेंगे सीधा, और यहाँ पे ये बिज़नेस वेबसाइट है हमारी aftabhasan.com, और इस पे आकर यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सामने डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक zip फाइल ओपन हो जाएगी और उसमें जितने भी टेबल्स हैं वो आपको शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप डाउनलोड पेज के ऊपर आ जाएंगे, यहीं से आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसे एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के ऊपर हूँ और यहाँ पे इस zip फाइल को मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी से मैं आपको ये प्रोसेस बताऊँगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी। मैं यहाँ पे आके एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास एक फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब इस फोल्डर को उठा कर यहाँ पे रखें और इसको अगर ओपन करें तो यहाँ पे तीन फाइल्स हैं, ये टेबल वन है, ये टेबल टू है और ये टेबल थ्री है। तो ये तीन तरह के टेबल्स हैं, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहला मेरा फेवरेट है जिसे मैंने टॉप में रखा है, और ये दो साथ में आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अब टेबल ये कैसा आएगा वो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, और इमेजेस के साथ अगर आप टेबल डालते हैं तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और यूज़र उस पर क्लिक करने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। अब चलते हैं साइट पे और टेबल्स को डिज़ाइन करते हैं। ये मैं अपनी उसी साइट के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे डैशबोर्ड में मैं हूँ। मैं सीधा जाता हूँ यहाँ पे प्लगइन में, ऐड न्यू, और ऐड न्यू जैसे ही करेंगे तो प्लगइन्स की रिपोजिटरी ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप फ्री प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्लगइन जो हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है नीश टेबल। अब यहाँ पे आपने ऊपर आना है और सर्च बार के अंदर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ नीश टेबल। आपने स्पेस नहीं देनी, स्पेस के बगैर टाइप करना है ताकि आपको डायरेक्ट प्लगइन मिल जाए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे सामने एक प्लगइन आ चुका है, इसके 2000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं और रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं अब इसे इंस्टॉल करता हूँ और इसे फिर हम एक्टिवेट करते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग प्लगइन है और रिस्पॉन्सिव है, सबसे बड़ी बात यह है, और फ्री भी है। तो बहुत सारे प्लगइन्स लोग रिकमेंड करते हैं जिनमें टेबल प्रेस है या इस तरह के फालतू प्लगइन्स हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है वो,
क्योंकि उनको अगर आप यूज़ करते हैं तो रिस्पॉन्सिव नहीं होते और आपको कोड डाल के बाकायदा एक जनरेटर में पढ़ना पड़ता है, तब जाके रिस्पॉन्सिव रिजल्ट्स आप लेते हैं। तो ये सिंपल सा प्लगइन है, इसे इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें और उसके आगे का प्रोसेस अब हम देखते हैं। बस इसे आपने एक्टिवेट करना है एंड यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है अलाउ एंड कंटिन्यू। तो अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन आपका जो है वो वर्डप्रेस में एक्टिवेट हो जाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप आ जाएं पोस्ट में एंड ऐड न्यू, आप अपनी पोस्ट न्यू ऐड करें। अब मैं गुटेनबर्ग एडिटर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप पुराना वाला कर रहे हैं तो उसमें भी सेम प्रोसेस होगा लेकिन थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होता है। बेहतर यही है कि आप गुटेनबर्ग पे शिफ्ट हो जाएं क्योंकि ये बहुत अच्छा है और बहुत ही यूज़फुल है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी पोस्ट लिख रहा हूँ, जैसे दिस इज़, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैं डाल देता हूँ। तो अब सपोज़ ये आपकी पोस्ट है और इसमें आप टेबल कहीं पर ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ बेस्ट, या तो ये आप जैसे मैंने एक टाइटल लिख दिया, अब इस टाइटल के नीचे मैं अपना टेबल बनाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके एक स्पेस दूंगा, अब यहाँ पर टेबल ऐड करना है। तो मैं अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर प्लस पे क्लिक करूँगा, ये आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा। और प्लस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे रीयूजेबल ब्लॉक्स का ऑप्शन है, तो इसमें क्लिक करें और अब यहाँ पे आप अपना वो टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं मैनेज रीयूजेबल ब्लॉक्स पे क्लिक करता हूँ और ये आपको लेके जाएगा नेक्स्ट पेज पे। इसे आप न्यू टैब में ओपन कर लें, राइट क्लिक करें, न्यू टैब में ओपन कर लें और न्यू टैब में जैसे ये खुल जाएगा तो अब यहाँ पे आपने अपना टेबल इंपोर्ट करना है। अब जो मैंने आपको टेम्पलेट्स दी थी वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम जेसोन करता हूँ तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ चूज़ फाइल और सबसे पहला जो हमारा टेबल है उससे मैं इंपोर्ट करता हूँ। फर्स्ट पे क्लिक करके ओपन कर दें और ये यहाँ से आप इंपोर्ट कर दें और ये जो टेबल है वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसमें आपने कस्टमाइज़ करना है और आपका टेबल रेडी हो जाएगा, फिर आप उससे अपनी पोस्ट में एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, F5 प्रेस करके मैंने रिफ़्रेश किया और टेबल मेरा यहाँ पर आ गया। अब इस पर क्लिक करें एंड दैट्स इट, आपका टेबल जो है वो आपके सामने है। अब इसको सिर्फ आपने एडिट करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है और आपका टेबल ऐड होने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरह से आपका टेबल दिख रहा है। यहाँ से ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन जब पोस्ट में जाएगा तो वहाँ पे उसके साइज़ के साथ ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। मेरी थीम इसी किस्म की है तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट नेम डालना है, जो कि मैं नहीं डाल रहा, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ही आपने अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम डालना है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स जैसे मैंने मेंशन किए हैं ये आपको अमेज़ॉन से मिल जाती हैं। अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं उस पे जाएंगे, नीचे आएंगे उसकी स्पेक्स के ऊपर तो आपको वहाँ पे डायमेंशन वगैरह, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने डायमेंशन वेट रिव्यूज़ देना, यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे आप उसकी रैम लिख सकते हैं। अक्सर हम ये लिख रहे होते हैं कि लैपटॉप अगर हम सेल कर रहे हैं तो रैम लिखते हैं हम यहाँ पे, उसके बाद यहाँ नीचे हम स्टोरेज लिख देते हैं, यानी जो की फीचर्स होते हैं आपकी प्रोडक्ट के वो यहाँ पे आपने डिटेल्स में लिखने होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टोरेज और उसके बाद नीचे रिव्यूज, ठीक है, रैम, स्टोरेज या फिर ग्राफिक कार्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा हुआ। मैं लैपटॉप की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी है। अब इस तरह से सेम डिटेल आप हर प्रोडक्ट की लिखेंगे यहाँ पे और आपका जो टेबल है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट इमेजेस का ऑप्शन है कि आपने अपने प्रोडक्ट की इमेजेस डालनी है, इससे आपका टेबल बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और इमेजेस मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें राइट साइड पे तो चेक प्राइस का बटन है, इस बटन पे क्लिक करें और ऊपर आ जाएं सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स पे आएंगे तो अब यहाँ पे खाली डब्बा आपको दिखेगा, आप यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट कर सकते हैं जो कि अफिलिएट लिंक होगा। तो आपकी फ़र्स्ट प्रोडक्ट का अफिलिएट लिंक यहाँ पे आएगा, आपकी सेकंड प्रोडक्ट का अफिलिएट लिंक यहाँ पे आएगा और इस तरह से थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन, आगे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका लिंक आपने यहाँ पे डालना है। अब मैं सिर्फ आपको डिज़ाइन बता रहा हूँ, करना आपने खुद है अपनी प्रोडक्ट का, तो मैं सिर्फ आपको एक टेबल बना के दिखाऊँगा। और अब ये टेबल जो है वो रिस्पॉन्सिव है बिल्कुल। और एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप एक बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2 पे क्लिक करते हैं तो ये एक बटन अवेलेबल है। तो डिज़ाइन जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। थर्ड वाला बड़ा ही बेकार है और फर्स्ट 2 में ही मैं जाता हूँ, मेरा ये फेवरेट फर्स्ट है। बस उसके बाद अब हम प्रोडक्ट इमेजेस अपलोड करते हैं और इस टेबल को अपनी पोस्ट में ऐड करते हैं। अब प्रोडक्ट इमेजेस लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट पे आऊँगा, मैं यहाँ पे सेट इमेज करूँगा, अपलोड करूँगा और अपलोड यहाँ से फाइल और मैं यहाँ से, और यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हैं लैपटॉप्स की, मैं ये सारी अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से एक पे क्लिक करता हूँ, शिफ्ट दबा के पांचवी पे क्लिक करता हूँ
और ये सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अब ओपन कर देते हैं और ये सारी इमेजेस हमारी यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। अब ये फर्स्ट हमारी लैपटॉप की इमेज है, तो अब इसे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करूँगा ये मेरे टेबल में लग जाएगी। अब ये इमेज मैंने कैसे बनाई, इस साइज़ की किस तरह से आप बना सकते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और यहाँ से सेट, और मैं दूसरी इमेज पकड़ता हूँ और उसके बाद यहाँ पर नीचे आके सेलेक्ट कर देते हैं और ये भी सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से मैं ये सारी अपलोड करता हूँ। तो अब ये सारी प्रोडक्ट इमेजेस मैंने ऐड कर दी और ये हमारा टेबल तैयार हो चुका है। अब इसे अपडेट करते हैं और यहाँ पे भी लिख दें आप वही जो आपने पोस्ट में लिखा है। मैं यहाँ पे पोस्ट में आता हूँ, पोस्ट का टाइटल हम यहाँ से कॉपी करते हैं, जो टेबल का टाइटल है वही मैं यहाँ पे टेबल के नाम में दे देता हूँ। और ये मैंने टाइटल दे के दोबारा से इसे अपडेट कर दिया। अब ये जो टेबल है, अब ये बात आपने समझनी है, ये रीयूजेबल ब्लॉक्स में ऐड हो गया जो कि हमने पोस्ट में देखा था। अब इसे बंद करते हैं और मैं आ जाता हूँ अपनी पोस्ट में। अब जो रीयूजेबल ब्लॉक्स हमने यहाँ पे देखे थे उनमें ये ऐड हो गया होगा, तो उसे अपडेट करने के लिए मैं रिफ्रेश करता हूँ अपनी इस पोस्ट को और इसे मैं एक बार सेव कर लेता हूँ ताकि हमारा डेटा लूज ना हो। यहाँ से मैं F5 प्रेस करके इसे रिफ्रेश करता हूँ और अब हम अपना टेबल अपनी पोस्ट के अंदर एम्बेड करते हैं। नीचे आते हैं और ये जो खाली जगह है इस पर क्लिक करता हूँ, प्लस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद रीयूजेबल का भी यहाँ पे आ जाएगा रीयूजेबल। और यहाँ पे आप देखें जो हमने टेबल बनाया था वो यहाँ पे मौजूद है, टॉप 10 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर $500। तो इसे क्लिक करते हैं और ये टेबल हमारा पोस्ट के अंदर ऐड हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, वहाँ पे आपने टेबल डिज़ाइन करना है, यहाँ पे पोस्ट में ऐड कर लेना है। अब मैं इसे सेव ड्राफ्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। मैं अब यहाँ से प्रीव्यू करूँगा, नेक्स्ट टैब में प्रीव्यू को ओपन करते हैं। ये जी आपका टेबल डिज़ाइन हो चुका और बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी पोस्ट के साइज़ के साथ ये रिस्पॉन्सिव हो गया, यानी जितना हमारी पोस्ट थी उसी के हिसाब से ये यहाँ पर दिख रहा है और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेबल के अंदर हमारे लैपटॉप्स हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए डबल इमेजेस अपलोड कर दी, यानी 5 बार ऊपर और उन्हीं को 5 बार नीचे, लेकिन आपने अपनी 10 प्रोडक्ट्स का नाम लिखना है, उनकी इमेजेस डालनी है, उनकी डिटेल लिखनी है और यहाँ पर लिंक देना है। ये टेबल बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही सिंपल है। और अगर मैं इसे यहाँ से अलग टैब को सेपरेट करता हूँ और इसे मैं छोटे साइज़ में देखता हूँ, इससे मैं इस तरह से मोबाइल साइज़ में देखता हूँ, तो टेबल फिर भी बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। यानी यहाँ पे इमेज, ये उसकी इमेज, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, डिटेल्स, ये डिटेल्स, और प्राइस, चेक प्राइस का बटन, सेम सेक्शन दूसरी प्रोडक्ट का, सेम तीसरी, सेम चौथी। तो इस तरह से ये एक रिस्पॉन्सिव टेबल हमारा डिज़ाइन हो गया और डेस्कटॉप में भी ये इस तरह से बहुत ही अच्छा लग रहा है और मोबाइल में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सिंपल सा तरीका था एक रिस्पॉन्सिव टेबल बनाने के लिए। अब इस तरह के टेबल पे मैंने जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत मुश्किल आती थी, क्योंकि पहले जब मैं किसी प्लगइन से बनाता था तो रिस्पॉन्सिव नहीं होता था। सबसे मेन मसला यही होता है, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक आपकी मोबाइल से आ रही होती है और मोबाइल यूज़र्स के लिए आपने ये सब कुछ करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये इमेजेस इस साइज़ की किस तरह से मैंने डिज़ाइन की। तो मैंने तो इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए की, यानी सिंपल एक 140x160 का मैंने साइज़ लिया और उसमें इन प्रोडक्ट्स इमेजेस को अमेज़ॉन से उठा के वहाँ पे ऐड कर दिया और वहाँ से एक्सपोर्ट कर ली JPGs। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। कैनवा पे मैं जाता हूँ, कैनवा का मैं तो प्रीमियम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपका फ्री भी होगा तो चलेगा। सिंपली आप फ्री क्रिएट अकाउंट करें और अपना अकाउंट क्रिएट करें। यहाँ से मैं कोई भी एक टेम्पलेट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट अ डिज़ाइन और यहाँ से कुछ भी ले लें, यूट्यूब थंबनेल ही ले लें। और यहाँ पे लेने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर रीसाइज़ पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे एक साइज़ देते हैं, छोटा साइज़ जो छोटी इमेज के लिए यूज़ होता है, मैं देता हूँ 140 या 41 और 160, इसको मैं रीसाइज़ करता हूँ। और ये इमेज, अब आपने amazon.com पे आना है। ये सिंपल मैं आपको इमेजेस वो बनाने का, छोटी इमेजेस जो टेबल में लगाते हैं उसका तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसकी इमेज को मैं कॉपी करता हूँ, अपनी कैनवा में आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ये इमेज हमारी आ गई। इसे रीसाइज़ कर लें यहाँ तक और यहाँ से कर लें यहाँ तक बस। अब ये इसको मैं सेंटर लाइन करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर राइट साइड में डाउनलोड PNG एंड डाउनलोड, ये जैसे ही करेंगे तो आपकी इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। बस यही सिंपल सा तरीका है।
जो का आपने इस्तेमाल करना है, सेम 10 इमेजेस या 5 प्रोडक्ट्स जितनी भी आप अपने आर्टिकल के अंदर रिव्यू कर रहे हैं उन सारी प्रोडक्ट्स की इमेजेस छोटे छोटे साइज में आपने इस तरह से एक्सपोर्ट करनी है, टेबल में डालनी है और आपका टेबल जो है वो इस तरह से तैयार हो जाएगा। अगर आपके इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जो कि हम ब्लॉगिंग के ऊपर या ग्राफिक्स के ऊपर, वीडियो एडिटिंग के ऊपर या डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, किसी भी टॉपिक पर हम बात करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।